फिल्म दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले सुपरस्टार रजनीकांत का नागरिकता संशोधन पर आया बयान सुर्खियों में है। नागरिकता संशोधन कानून पर भड़की हिंसा मामले में रजनीकांत का बड़ा बयान आया, जिससे उन्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कई लोगों ने बयान को लेकर रजनीकांत को भी घेर लिया है। आपको बता देते हैं क्या है सब मामला। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रजनीकांत ने प्रदर्शन में हो रही हिंसा पर की है लोगों से शांति की अपील। सुपरस्टार रजनीकांत ने नागरिकता संशोधन कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश भर में कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में हिंसा पर दुख जताया है। ट्वीट पर उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में हो रही हिंसा से कुछ हासिल नहीं होने वाला। रजनीकांत ने कहा है कि दंगा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि रजनीकांत ने किसी एक मामले की मिसाल नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हिंसा से मुझे बहुत पीड़ा होती है। रजनीकांत के इस बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। पक्ष व विपक्ष की ओर से इसे अपने अपने तरीके से पेश किया जा रहा है। नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में जमकर हो रही है हिंसा। रजनीकांत के बयान को कई लोगों ने सही ठहराया है। उनका कहना है कि हिंसा सही में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। विरोध का स्तर अगर हिंसा में परिवर्तित हुआ है तो फिर नुकसान सही तरीके से विरोध करने वालों को ही होगा। दरअसल गुरुवार को भारत बंद के दौरान देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की थी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों ने आम लोगों व पुलिस को निशाना बनाया। पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। रजनीकांत का यह ट्वीट इसी संदर्भ में है। रजनीकांत ने नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में हिंसा पर चिंता जताई। रजनीकांत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में हो रही हिंसा को लेकर ट्वीट में कहा कि हिंसा और दंगों को किसी मसले का समाधान का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं भारत के लोगों से यही कहूँगा कि वहीं एकजुट रहें और भारत की सुरक्षा व हित का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने जनता को हिंसा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हिंसा की मौजूदा घटनाएँ मुझे बेहद पीड़ा पहुँचाती हैं। रजनीकांत के बयान पर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रजनीकांत आरएसएस व भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि नागरिकता कानून को लेकर हो रही हिंसा को एक वर्ग का समर्थन मिला हुआ है। दोस्तों, क्या आप रजनीकांत के इस बयान से सहमत हैं? हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।